ठीक है, लिखो वेक्टर्स इन 3D। बहुत ही आसान है, देखो ये भी हल्का से इमेजिन करते हुए चलना है हमको बस। ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये वाई एक्सिस हो रही है, जेड एक्सिस दिख रहा है ये 3D में दिख रहा है ना। ठीक है, तो ये लेंथ मान लेते हैं ए है, इस साइड की लेंथ ए मान लेते हैं, इस साइड की लेंथ बी मान लेते हैं, और इस तरफ की लेंथ सी मान लेते हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स लिख दो सारे के सारे, मैं नाम दे देता हूँ इनको। 8 कॉर्नर्स हैं, 8 के कोऑर्डिनेट्स लिख दो। ये ओरिजिन है तुम्हारी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और नाम दे दे भाई, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, और ये तुम्हारा जी। 8 कॉर्नर्स को हमने नाम दे दिया। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स लिख दो, ए बी सी डी। आता है कोऑर्डिनेट्स लिखना? नहीं आता क्या? आता है तो लिखो, नहीं तो फिर मैं बता दूँ। ठीक है, देखो इसका क्या है भाई, एक्स डायरेक्शन में ए है और वाई और जेड में तो है नहीं है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो। इसका क्या हो जाएगा बताओ? ये से बाई डायरेक्शन में है और कितना डिस्टेंस है? बी, तो जीरो कॉमा बी कॉमा जीरो, क्योंकि एक्स और जेड में तो ये है नहीं, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, और वाई एक्सिस पे बी डिस्टेंस पे है ओरिजिन से। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? जीरो कॉमा जीरो कॉमा, ये जेड कोऑर्डिनेट हो गया हमारा। चलो ये बताओ जल्दी से, डी वाला क्या होगा? देखो एक्स में कितना ए आ रहा है और जेड में सी आ रहा है, ये एक्स जेड प्लेन पे लाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट बाय पे तो है ही नहीं, तो ए कॉमा जीरो कॉमा सी। अच्छा समझ में आ रहा है सबको? देखो नहीं आ रहा तो ऐसा सोचो, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाला कॉर्नर, ये एज वाई एक्सिस है तुम्हारी, और ये एज जेड एक्सिस है, तो ये जो डी सी पॉइंट है ये कहाँ लाई कर रहा है? वो वाला कॉर्नर हो गया ये सी पॉइंट। ठीक है, मतलब एक्स और जेड प्लेन पे लाई कर रहा है, तो वो कॉर्नर पे बाय वाला तो कोई आई नहीं ना, बाय मतलब हाइट, वो तो है ही नहीं। आ रहा है क्या समझ में? चलो ई का बताओ, ए कॉमा बी कॉमा जीरो, ये कितना हो जाएगा? जीरो कॉमा बी कॉमा सी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे नहीं है, सिर्फ वाई और जेड पे है, तो सिर्फ वाई और जेड का आएगा इसमें। और ये क्या होगा? ये समझो ये वाला कॉर्नर है ना, एक्स में ए आगे गया, वाई में बी आगे गया, और जेड में सी आगे गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए कॉमा बी कॉमा सी। अगर मान लो ये कोऑर्डिनेट्स लिखना नहीं आया ना, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो हम वेक्टर लिखना सीखते, वेक्टर से भी तुम कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो, तो चलो लिखते ना वेक्टर। तो बताओ ओ ए वैक्टर क्या होगा यहाँ पे? ओ ए वैक्टर यही क्या होगा, क्योंकि तुम एक्स डायरेक्शन में जा रहे हो, कितना जा रहे हो? ए है ना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक गए, ए आई क्या। अच्छा बताओ सी डी वैक्टर क्या होगा? वो भी आई क्या होगा, और कौन सा होगा? बी ई और एफ जी, ये सारे के सारे क्या है? या, या, या। क्योंकि पैरेलल वेक्टर हो गए ना, देखो ये वाली एज, वो एज, ऊपर की एज और ये एज, ये सारे पैरेलल है ना ये एजेस, और वेक्टर की पोजीशन क्या करती है? कुछ नहीं बता दी है ना, तो ये सारे हमारे क्या हो गए? पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो ये सारे अगेंस्ट हैं हमारे, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ए आई कैप। अब सिमिलरली बताओ ओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा?
यहां से लेके यहां तक बी जे कैप, बी जे कैप। और कौन कौन से बताओ ओबी वेक्टर के पैरेलल? सी एफ है ना, ओबी ए ई डी जी एंड सी एफ वेक्टर, ये सारे सेम। चलो ओ सी वेक्टर क्या हो जाएगा तुम्हारा? सी के कैप, सीधा सी कैप, सी के कैप है ना, के मिस हो गया सी कैप। तो और कौन कौन से होंगे भाई? सी कैप ये और ये है ना, तो कौन सा भाई? ए डी वेक्टर और ई जी एंड बी एफ, ये सारे तुम्हारे क्या हो गए? सी के कैप। देख लो एक बार भाई, फिजिक्स में जरूरत पड़ती है 3D में सोचने की बहुत सारे क्वेश्चंस में, तो आना चाहिए ये लिखना। चलो ठीक है, अब बताओ मुझे लिखना है ओ ई वेक्टर लिखना है, बताओ ओ ई वेक्टर कैसे लिखूं मैं? एक आसान तरीका तो भाई तुमने कोऑर्डिनेट लिख लिया, उससे सीधा बोल दो पोजीशन वेक्टर ही तो है, तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस जीरो के कैप। पर मान लो जिनको कोऑर्डिनेट लिखना नहीं आया, ये वाला तरीका फॉलो नहीं करना, तो और बताओ और कैसे लिख सकते हैं ओ ई वेक्टर? ओ ई वेक्टर ये हो जाएगा ना तुम्हारा, ये वाला वेक्टर। सोचो ओ से ई तक जाने का क्या रास्ता है? ओ से ए पे जाओ और ए से ई पे चले जाओ, है ना, ऐसे कर सकते ना। तो इसको ऐसे लिख सकते ना, ओ ए वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर। अब ये तो हमें पता ही है ऑलरेडी, ओ ए वेक्टर बताओ क्या है और ए ई वेक्टर क्या है? बी जे कैप। तो देखो फिर से वही निकल के आ गया, ए आई कैप प्लस बी जे कैप। तो जिनको कोऑर्डिनेट्स लिखना नहीं आ रहा वो इस तरह से कर लेना भाई, रास्ता ढूंढ लो तुम तो जाने का, कहीं से भी घूम के जाओ। मान लो तुम ओ से बी चले जाते और बी से ई जाते तो भी सेम ही आंसर आता, ऐसा भी कर सकते हो ना। तुम्हें तो अल्टीमेटली ओ से ई तक पहुंचना है, कोई भी रास्ता चूज करो फर्क नहीं पड़ता। तो ओ से मान लो पहले हम बी चले जाते हैं और फिर बी से ई पे जाते हैं, ऐसा करके देखते हैं। तो ओ बी वेक्टर क्या हो गया बताओ? बी जे कैप और बी ई ए आई कैप। तो अगेन तुम्हारा वही आ गया, बी जे कैप प्लस ए आई कैप या फिर ए आई कैप प्लस बी जे कैप। तो किसी भी रास्ते से कहीं से कहीं भी चल जाओ आंसर आ जाएगा तुम्हारा, आ रहा है समझ में? चलो अच्छा बताओ, अभी किसी को डाउट हो तो पूछो, फिर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चंस। चलो बताओ मेरे को बी सी वेक्टर क्या होगा? चलो बी सी वेक्टर बताओ। माइनस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब कैसे करें भाई इसको बताओ? तो दो तरीके से करते हैं ना, चलो इसको भी करने के दो मेथड देख लेते हैं। मेथड नंबर वन, बी सी वेक्टर निकालना है ना, रास्ता ढूंढने वाली मेथड करते हैं ना। तो क्या करते हैं भाई, बी से ओ चले जाते हैं, ओ से सी चले जाते हैं। तो बी सी वैक्टर क्या लिख सकते हो तुम? बी सी वैक्टर इज बी ओ वैक्टर प्लस ओ ए वैक्टर, और बी ओ वैक्टर को क्या लिख सकते हो? माइनस ओ बी वैक्टर प्लस ओ ए वैक्टर, है ना, उल्टा कर दिया ना। अगर बी से ओ ऐसा जाएगा तो ओ से बी उसका नेगेटिव आएगा। ओ बी वैक्टर कितना है अपना? बी जे कैप। ओ ए वैक्टर क्या है अपना? ए आई कैप। तो क्या आ गया? नहीं कुछ गलती करती, ओ सी लिखना है ना, सी लिखना है। तो अपना आ गया माइनस बी जे कैप प्लस सी के कैप। देखो इस वाले तरीके में कोई डाउट है क्या? क्यों क्या लगाया? क्या ठीक है, वो बी से ओ जा रहे हो ना, तो ये तुम्हारा बी ओ वैक्टर, तो ये हो गया। ओ बी वैक्टर क्या हो जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक तो उसका उल्टा है ना, नेगेटिव डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। ठीक है, और कोई डाउट? ठीक है, अब ठीक है ये तरीका हो गया। अब मान लो एक और देखो, एक और तरीका देख लेते इसको करने का, मेथड नंबर टू। अभी हमने क्या पढ़ा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा हमने, है ना, x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप, उसको यूज करते हैं यहाँ पे।
तो तुम्हें बी से सी तक जाना है, तो फाइनल कौन सा आइए, इनिशियल कौन सा आइए, तो फाइनल वाले में से इनिशियल को माइनस करते हैं, ठीक है। तो हमको लिखना है बी सी वैक्टर, तो सबसे पहले एक्स वाला करते हैं, 0 माइनस 0, 0 i कैप, 0 माइनस b, माइनस b j कैप, सी माइनस 0 प्लस c k कैप। तो आ गया देखो, अरे सारे आसान तरीके हैं भाई, एक बार समझना है बस। देखो भाई, हो कुछ अगर समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो। चलो एक बता दो, लास्ट बता दो, फिर इसको खत्म कर रहे हैं ना। ओजी वेक्टर बता दो मेरे को भाई, अब किस तरह से बताते हो वो तुम्हारी मर्जी। ओजी वेक्टर तो कोऑर्डिनेट से लिखना तो बहुत ही आसान हो जाता है, और दूसरे तरीके से बताओ, रास्ते रास्ते से बताओ। चल तुम ही बताओ, तुम कर दो। हाँ, क्या नाम है, क्या? तन्मय। ओके बताओ भाई तन्मय, तुम्हें ओ से लेके जी तक जाना है, रास्ता बताओ किस रास्ते से जाए, तुम जो रास्ता चूज करोगे उसको यूज करेंगे हम। हाँ अबे भाई, हाँ ओ से ए, ठीक है ओ से ए चले गए, फिर भाई ओ से ए गए, ए से डी जाए, ठीक है ए से डी चले जाते, फिर डी से जी, अरे ऐसे भी ले जाओ ना, ऐसे ऐसे घुमा कर रखे, ऐसे भी जा सकते हो, पता है ऐसे ही आएगा, उससे भी बस लंबा हो जाएगा, घर पे जाके इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो भाई समझ में आया क्या, इसने कोई एक रास्ता चूज करो, तुम कोई और भी चूज कर सकते हो, इसने कहा कि ओ से ए जाओ, ए से डी जाओ, फिर डी से जी चले जाओ, पहुंच गए ना तुम। अब ओ ए वैक्टर क्या है तुम्हारा, ए आई क्या, ए डी वैक्टर है तुम्हारा सी के क्या, और डी जी वैक्टर है तुम्हारा बी जे क्या। देखो वही आ गया, ए आई क्या प्लस बी जे क्या प्लस सी के क्या, बैठो। अब मेरे ख्याल से तुम लिख लोगे सारे, है ना, लिख लोगे ना, तो बता दो फिर सी ई वेक्टर क्या है, वो यहां से लेके यहां तक जा रहा है शायद, ठीक है, मतलब ऐसा डायगोनल। हाँ वो कौन बोल रहा है, खड़े होकर बोल रहा है, बताओ। सी से जाएगा ई तक, ठीक है लो सी से ई तक पहुंचा दिया, अब बताओ। अच्छा तुम उस तरह से करना चाह रहे हो क्या, हाँ ठीक है उससे भी कर सकते हैं, पर अभी इससे अब जल्दबाजी के जल्दी से करते फटाक से आंसर करो। डिस्प्लेसमेंट वाला तरीका होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट्स, चलो मैं ही कर देता हूँ, इसमें से इसको माइनस कर दो, है ना, क्या गया ए आई क्या, इसमें से इसको माइनस करो और इसमें से इसको करो माइनस, सबसे आसान तो यही तरीका है ना। अब तुम सब लिख लोगे, लिखो जल्दी से।